शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, रेवा तिरे तपा कुरियात मरड़ा जानवी तटे, अर्थात तपस्या करना हो तो नर्मदा के तट पे जाइए, शरीर त्यागना हो तो गंगा के तट पे जाइए, और गंगा के तट पे तो प्रयागराज, काशी, हरिद्वार जैसे शहर बसे हुए हैं, जिसमें से आज हम आपको प्रयागराज का भ्रमण कराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रयागराज का नाम प्रयागराज ही क्यों पड़ा? तो ऐसा हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि ब्रह्मा ने इसकी रचना से पहले यज्ञ करने के लिए धरती पर प्रयागराज को चुना था, और इसे तीर्थों में सबसे ऊपर यानी तीर्थराज बताया जाता है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक तो ये भी मानना है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना के बाद पहला बलिदान यही दिया था, इस कारण इसका नाम प्रयागराज पड़ा था। संस्कृत में प्रयाग का मतलब होता है बलिदान का जगह। पुराणों के अनुसार अगर हम माने तो प्राचीन समय में प्रयाग नाम का कोई शहर था ही नहीं, बल्कि ये तो एक तीर्थ स्थान था। मान्यता के अनुसार ये तीर्थ स्थान लगभग 15,000 ईसा पूर्व से रहा है। यहाँ 3,000 वर्षों से कुंभ मेले का आयोजन होते हुए आया है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं इस पवित्र नगरी की 3 बार यात्राएं की हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रयागराज कितना बड़ा शहर है। ये जो आपको बांध दिखाई दे रहा है ना, ठीक उसी बांध के नीचे गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम क्षेत्र है, जहाँ प्रतिवर्ष माघ में और छठवें तथा 12वें वर्ष में अर्धकुंभ और कुंभ के अवसर पर देश के अलग अलग इलाकों से करोड़ों लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं। अर्धकुंभ और महाकुंभ, इन दोनों अवसरों पर आपको स्थानीय लोगों या फिर देश के अलग अलग लोगों की बहुत भारी मात्रा में भीड़ दिखाई देगी। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों के पवित्र जल को छूने से सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यदि आपको भी गंगा और यमुना के बहते पानी में बोटिंग करना चाहते हैं तो आप साफ साफ देखिएगा कि आपको इन दोनों नदियों के पानी में काफी रंगों का अंतर दिखाई देगा। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको प्रयागराज की हर एक जगहों के बारे में काफ़ी अच्छे से बताने वाले हैं, तो आज हैं हम संगम पे। संगम पे ऐसी कौन कौन सी और जगहें हैं जहां पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आके इन जगहों को घूम सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो आपको सुंदर सा मंदिर का दृश्य दिख रहा है, ये प्रयागराज का इस्कॉन टेम्पल है। ये मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में एक छोटा सा परिसर भी है जहाँ पे भक्तों के लिए गौशाला के साथ साथ धर्मशाला भी है। संगम के किनारे हनुमान जी का एक अनूठा मंदिर भी है। इस मंदिर में बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि हर साल बारिश के समय में गंगा जी का जल किनारों को पार करते हुए इस मंदिर तक आता है, और हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने के बाद बाढ़ का पानी आगे भी नहीं बढ़ सकता और वहीं से लौटने लगता है। यूं तो प्रयाग की धरती अपने संस्कारों, रीति रिवाजों और आस्था के केंद्र के चलते विश्व भर में जानी जाती है, लेकिन इतिहास की कुछ कहानियाँ और निशानियाँ भी इस धरती पर मौजूद हैं, जो कि बताती हैं कि ये शहर बेहद ऐतिहासिक है। इतिहास के अलग अलग काल की इमारतें, खान पान आज इस शहर की पहचान में अहम भूमिका निभाता है। प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में मुगल काल से जुड़ी हुई कई इमारतें और स्थान हैं, जो कि देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षक का एक केंद्र बनी हुई है। इसी में से है एक अकबर का किला। ये किला यमुना नदी के लहरों से टकराता हुआ शताब्दियों से यहाँ की कहानियाँ और परिवर्तनों के अंदर समेटे हुए हैं। इस किले को मुगल बादशाह ने 1583 में बनवाया था, और इस किले को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों में अकबर के गार्डन, यहाँ के अकबर का कुछ आवासीय हिस्सा भी माना जाता है। अभी इस किले में आधे से अधिक हिस्से पर भारतीय सेना का नियंत्रण रखा हुआ है।
अब आजादी के बाद इस किले को भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया और अब भारतीय सेना के नियंत्रण में है। जिस जगह पर सेना का नियंत्रण होता है यानी जहाँ पे मिलिट्री का कंट्रोल होता है वहाँ पे आम लोगों का जाना सख्त मना होता है। इलाहाबाद के किले में पाटलिपुत्र मंदिर के पास स्थित अक्षय वट को अमर बरगद वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक ऋषि ने भगवान नारायण से ईश्वरीय शक्ति दिखाने के लिए कहा तो भगवान ने क्षण भर में पूरे संसार को जलमग्न कर दिया और फिर इस पानी को भी गायब कर दिया। इसी दौरान जब सारी चीजें पानी में डूब गई तब अक्षय वट का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा था। इसी कारण इस बरगद के वृक्ष को अमर वृक्ष माना जाता है। आजकल लोग इस किले में जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित हैं, लेकिन किले का कुछ हिस्सा मंदिर और इस वृक्ष को देखने के लिए अभी भी खुला हुआ है। अब इन सभी जगहों को विजिट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं बोटिंग करने। बोटिंग करते वक्त अभी हमें कुछ चीजें कैप्चर करनी है और अभी हम आपको दिखाते हैं आगे के दृश्य। और यम की बहन। अच्छा, भगवान शिव की इनका स्नान साल में एक चक्कर होता है। इस समय कार्तिक महीना चल रहा है। हाँ हाँ, इसी कार्तिक में स्नान होता है यमुना जी। अच्छा, इसी में आपको भैया दूज पड़ रहा है और छठ पूजा, छठ पूजा भी है भैया दूज, क्योंकि जैसे पति पत्नी दोनों साथ में नहीं नहाते हैं वैसे बहन भाई दोनों साथ में, इसीलिए भाई कहते हैं भैया दूज। तो बहन भाई दोनों साथ में नहाने से ये होता है, भाई भी सलामत रहे बहन भी सलामत रहे। गंगा मैया आपको हरिद्वार ऋषिकेश काल और माँ सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है, वो बद्रीनाथ से जलते हैं, लास्ट में पड़ता है माना गांव, आखिरी दर्शन माँ सरस्वती का माना गांव में ही होता है। वास माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हो जाती है, अंदर अंदर बहती है, दिखाई नहीं देती, जैसे हम आप बात करता है सुनाई देता दिखाई नहीं देता, इसे विश्वास कोई नहीं मानता। तो माँ बहन लोग आज भी चोटी बनाती है केस का, तीन भाग करती है कंप्लीट होने पे हो जाता है, ध्यान से देखोगे दो ही दिखेगा, चाहे सीधा देखिए या उल्टा दो ही दिखेगा, तीसरा लुप्त हो जाता है। जब माँ सरस्वती बहती थी आप कैसा भी भाग बनाओ तीनों दिखता, अब दो ही दिखता। तेलुगु कहते हैं वेणी, हम लोग कहते हैं त्रिवेणी, तब भी आदमी विश्वास नहीं मानता है। तभी आप जल ले लीजिए, कोई भी जल ले लीजिए आप, 12 रंग होता है, बराबर रंग इकट्ठा डाल दीजिए बनेगा एक ही कलर, अलग अलग नहीं बनेगा, एक कलर से बनेगा। वैसे माँ सरस्वती वो अंदर अंदर बहती हैं, दो कलर आपको दिखाई, अभी दूध में आप जल मिलाएंगे मिल जाता है मगर ये आपस में आपस में डिफरेंस कलर दिखे करेंगे तो काला ही हो जाएगा, लाल करेंगे तो लाल हो जाएगा, मगर काला अपना असर नहीं छोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा